किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी राधा और बेटे राजा के साथ रहता था। लकड़हारा बहुत अच्छा आदमी था। वह जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। एक दिन लकड़हारे का बेटा बहुत ही बीमार पड़ गया। उसे बहुत ज्यादा बुखार था, लेकिन लकड़हारे के पास न कुछ खाने के लिए था, ना ही उसके इलाज के लिए पैसे थे। लकड़हारा बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे अपने बेटे की चिंता सताने लगी और उसने झट से कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर जाने लगा। उसने उस दिन बहुत सारी लकड़ियां काटी और उसे बाजार में जाकर बेच आया और उसे हर रोज से ज्यादा पैसे मिले, जिससे उसने अपने बेटे का इलाज भी कर लिया और कुछ खाने की चीजें भी ला पाया। अब लकड़हारा हर रोज से ज्यादा मेहनत करने लगा। वह बहुत सारी लकड़ियां काटता और बाजार में बेच आता और उसे बहुत सारे पैसे भी मिलते। एक दिन वह जंगल में एक पेड़ को काट रहा था, तभी उस पेड़ के पास उसे एक डिब्बा पड़ा मिला। अरे, यह तो डिब्बा है, चलो जंगल में कुछ तो मिला। जब उसने वह डिब्बा खोला, तब उसे उस डिब्बे से एक चश्मा मिला। अरे, ये तो घटिया सा चश्मा है, इसे कौन पहनेगा। और चश्मे को साइड में रखकर वह अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद लकड़हारा थक गया और उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर में आराम करता हूँ, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। जब लकड़हारा बैठा, तब उसकी नजर उस चश्मे पर पड़ी और उसने वह चश्मा पहन लिया। जैसे ही उसने वह चश्मा पहना, तभी उसने एक जंगली गीदड़ अपनी तरफ आते हुए देखा। तब वह बहुत ज्यादा डर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बचाओ, बचाओ, बचाओ! ऐसा कहकर उसने चश्मा निकाला तो वह जंगली गीदड़ गायब था। उसने वह चश्मा फिर से पहना और उसे फिर से वही दिखाई दिया। लकड़हारा सोचने लगा, शायद इस चश्मे में कुछ है। तभी उसे एक जंगली गीदड़ आने का एहसास हुआ और वह झट से उस पेड़ पर चढ़ गया। वह गीदड़ इधर उधर देखते देखते वहां से चला गया। तभी लकड़हारे को समझ आया कि यह कोई साधारण चश्मा नहीं है, यह एक भविष्य देखने वाला एक जादुई चश्मा है। वह उस चश्मे और अपनी काटी हुई लकड़ियां लेकर बाजार निकल पड़ा। तभी उसे एक वामन नाम का आदमी अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। लकड़हारे ने चश्मा पहन लिया और उसने वामन से पूछा, और रामन, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। क्या बताए भैया, सुबह से मेरा गधा गायब है, पता नहीं कहां पर चला गया है। अब उसे ढूंढू तो कहां पर ढूंढू। लकड़हारे ने तुरंत उस वामन का भविष्य देखा और उसने उसके गधे के बारे में भी देख लिया और उसे बताने लगा। अरे, तुम्हारा गधा तो हमारे गांव के कुएं के पास है, पानी पी रहा है बेचारा। क्या कह रहे हो, सच में? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ भाई। धन्यवाद भैया, मैं जल्दी जाकर उसे ले आता हूँ, नहीं तो वह वहाँ से भी चला जाएगा। और वामन वहाँ से निकल गया। तभी सामने उसका मित्र बलिराम आता हुआ दिखाई दिया। उसने जैसे ही बलिराम को देखा, उसने उसका भविष्य भी देख लिया। उसने देखा कि कोई व्यापारी उसे उसकी लकड़ियों के बदले बहुत सारा धन देने वाला है। तभी उस धन को देखते हुए लकड़हारे के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि बलिराम को आधे रास्ते से ही उसे अपने घर भेज दूंगा और उस व्यापारी को मैं अपनी लकड़ियां बेचूंगा। अरे बलिराम, कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ भाई। बाजार? लेकिन बाजार तो आज बंद है। क्या बात कर रहे हो, लेकिन क्यों? वहाँ पर कुछ गांव के लोगों का झगड़ा हो गया है, इसलिए बाजार बंद है। अब मैं कल ही जाऊंगा। अच्छा, अब तो बाजार जाना बेकार है, मैं भी वहाँ पर कल ही जाऊंगा। चलो, अब मैं कल ही मिलता हूँ तुमको। ऐसा कहकर बलिराम अपने घर निकल पड़ा और लकड़हारा बाजार आ गया। तभी उसकी मुलाकात उस व्यापारी से हो गई। अरे लकड़हारे,
यहाँ तुम मुझे सबसे ज्यादा ईमानदार नजर आ रहे हो। क्या तुम मेरा ये पैसों से भरा बैग आज के लिए संभालोगे? वो क्या है, मुझे जरा बाहर गांव में जाना है और इसे मैं कल आके ले जाऊंगा, ठीक है? लकड़हारा मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, दे दो, आज तो लॉटरी लग गई। बिना कुछ बिके इतने पैसे मिल गए, इतने तो मैं कभी कमा ही नहीं पाऊंगा। अब इससे मैं सारे पैसे लेता हूँ और इसके आने से पहले यह गांव ही छोड़ दूंगा। फिर ना इसे मैं मिलूंगा और ना ही इसे उसके पैसे मिलेंगे। उस व्यापारी ने वह पैसे लकड़हारे को दिए और वो वहां से चला गया। तभी एक आदमी वहां आया और उससे कहने लगा, लकड़हारे, तूने मेरे पैसे चुराए, अब देख तुझे मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर वह आदमी उस लकड़हारे को पीटने लगा और उसी बीच वह चश्मा भी टूट गया और उस आदमी ने उसके पैसे और उसकी लकड़ियाँ भी अपने साथ ले गया और लकड़हारे को कुछ बोलने का भी मौका नहीं दिया। तब उस लकड़हारे को एहसास हो गया कि लालच एक बहुत बुरी बला है। उसने वह टूटा हुआ चश्मा उठाया और खाली हाथ अपने घर चला गया। हे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।